देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। एक तरफ जहां योगी सरकार प्राकृतिक आपदाओं की मार से त्रस्त गरीबों को भोजन देने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सूखा राहत सामग्री वितरण में जमकर धांधली भी हो रही है। मामला महोबा सदर तहसील का है, जहां सूखा राहत सामग्री वितरण के नाम पर भारी घोटालेबाजी सामने आई। आपको बता दें कि सामग्री में जो आलू वितरित किए जा रहे हैं वो अंडर साइज और सड़े हुए पाए गए हैं। साथ ही जब मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने तौल कराई तो आलू की बोरियां 25 किलोग्राम की जगह 22 और 23 किलोग्राम ही निकली। वहीं राहत सामग्री में वितरित की जा रही दाल भी 5 किलो की जगह 4 किलो 500 ग्राम, आटा की बोरी 15 किलो की जगह 14 किलोग्राम निकली। गौरतलब है कि मानकों को ताक पर रखकर सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं, वहीं ठेकेदार जमकर धांधली भी कर रहे हैं और प्रशासन सबको जानकर भी अनजान बना हुआ है। तो ये पाया है सर, ये अंडर साइज आलू है, कम से कम 25% बोरियां हैं जिसमें अंडर साइज आलू आया है, इसमें सुधार अपेक्षित है संबंधित ठेकेदार का। खराब भी आलू है ये, खराब कुछ क्योंकि ये ज़्यादातर किसान का माल होता है और एक एक चीज़ ग्रेड नहीं होती है, तो सब्जियों में कुछ ना कुछ खराबी, जैसे हम लोग भी खरीदते हैं तो 10-20% आलू कट अलाउड है। वजन भी कराया गया, वजन में सर क्या पाया? आलू में माइनूट शायद 800 ग्राम का अंतर है। अब दाल वगैरह और ये जो पैकिंग देखी गई तो उनमें माइनूट अंतर पाया गया, किसी में 40 ग्राम 50 ग्राम में, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। वजन भी उसमें बोरी भी लगी है। अब बोरी का क्योंकि प्लास्टिक की बोरी होती है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं होता है। बीच में एक आती हो तो देखो ऐसा है, कोई घर में तो पैदा हो नहीं रहा है, हम भी खरीद ही रहे हैं, अच्छा से अच्छा ही माल ला रहे हैं। एक आध बोरी कहीं वो गई कोल्ड स्टोर में, वैसे नहीं, ये सब मालकन से बात करो। सड़ा हुआ है, खा लोगे इसको? नहीं खाएंगे, नहीं आधा फेंक देंगे, जो सही होगा वो खा लेंगे। खबर समय जगत के लिए महोबा से गौरव पांडे की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।